सो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हम 2 मिनट में कैसे अलर्ट हया तो अपना कर सकें, क्योंकि गाइस हम सभी को पता है हमारा कल ही गेम में आ चुका है अलर्ट हया तो। एंड गाइस मैं इस वजह से नहीं डाल पाया हूँ कि थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू था, एंड सुबह हमारा ये जोकर वाला बंडल देखने को मिल गया तो सुबह मेरे को जल्दी जल्दी इसके ऊपर वीडियो डालनी पड़ी। तो खैर कोई बात नहीं, हम आपको इजी सी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप 2 मिनट में कर लेंगे अपना अलर्ट हया तो। भाई बहुत से बंदों की डिमांड आ रही थी तो मैंने उनकी डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई है, एंड बहुत इजी ट्रिक है, आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो गाइस सबसे पहले हम एक बार मिशन की ओर नजर डाल लेते हैं। सो गाइस हमारा पहला जो मिशन है वो कुछ इस तरीके से है, इन ऑल मोड्स एक्सक्लूडिंग रूम मैच यूज वीपन्स टू डील 16,000 डैमेज टू प्लेयर्स। इसका मतलब है कि आपको सारे मोड्स में रूम को छोड़ करके, जो कि हमारे कस्टम्स बनते हैं उन्हें छोड़ करके, आप किसी भी वेपन से 16,000 डैमेज दीजिए किसी प्लेयर को। जरूर नहीं आपको मिली वेपन से देना, क्योंकि मिली वेपन का बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको वीपन से देना है डैमेज। ओके गाइस, तो ये कैसे देंगे आप? सो गाइस आप जैसे क्लैश स्क्वाड वगैरह खेलते हैं, क्लैश स्क्वाड रैंक या क्या कहते हैं सिंपल क्लैश स्क्वाड जिसमें रैंक नहीं होती, आप वो खेलिए, उसमें काफी नूबड़े बंदे आते हैं, आप उन्हें इजीली मार सकते हैं। नॉक करा है तो 200 में तो नॉक हो जाएगा, और 200 और डैमेज दे दोगे तो 400 डैमेज एक ही बंदे पर आ रहा है आपका। सो गाइस मान लीजिए अगर आपने नॉक भी नहीं करा है तो आप नॉक करे बंदे को मारे, क्योंकि आपको अपना डैमेज बढ़ाना है। ये तो गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है, आप क्लैश स्क्वाड रैंक ना खेलें, क्योंकि थोड़े उसमें प्रो बंदे आ जाते हैं, बट जो ये सिंपल से क्लैश स्क्वाड होते हैं जिसमें रैंक हमारी घटती बढ़ती नहीं है वो खेलें, उसमें नोबड़े बंदे आते तो उसमें आप इजीली बंदों को मार सकते हैं। नॉक करो को भी मारोगे तो खैर आपको कोई पीछे से नहीं मारने वाला है। तो चलिए गाइस हम अपने सेकंड मिशन पर चलते हैं, इन ऑल मोड्स एक्सक्लूडिंग रूम मैच किल 3 प्लेयर्स विद द कटाना। सो गाइस ये बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड बहुत से बंदे कह रहे भाई मैं कैसे करूं, एंड गाइस मैं एक बार बता देता हूं कि आपको किसी भी मोड में 3 बंदों को कटाना से मारना है कस्टम रूम को छोड़कर, यानी कस्टम रूम का मतलब इसमें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें छोड़ करके आपको किसी मोड में 3 बंदे मारने हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको क्लासिक मैच लगाने हैं, एंड आप बोर्ड पर जाके देख सकते हैं, एरोप्लेन में जब आप आते हैं तो बैचेस देखिएगा एंड नाम देखिएगा कि वो प्रो टाइप से लिखा हुआ है या नोबड़ो टाइप से लिखा हुआ है। अगर नोबड़े टाइप से लिखा हुआ है तो आप उस मैच में जाकर के कटाना से बंदे को कवर में जाकर, जैसे बॉट आते कभी कभार आप उन्हें मार सकते हैं। अगर गाइस प्रो बंदे आते तो आप बैक करके दोबारा क्लासिक मैच लगाइएगा जिससे कि आप जल्दी जल्दी अपने कटाना से बंदों को मार सकें। 3 ही बंदों को तो मारना है गाइस, बॉट आ जाते हैं कभी क्लासिक मैच में, जैसे मैं खेल रहा था आज तो भाई मैंने 2-3 मैच में बैक करने के बाद मेरे बॉट आ गए, तो गाइस मैंने इजीली इन्हें मार दिया कटाना से। गाइस वो इतना गंदा एम रहता है उनका, वो गोली चलाते रहेंगे आपके मुश्किल से 2-3 ही डैमेज पड़ेगा। तो सबसे इजी सेकंड वाला है, आप इजीली बॉट को मार सकते हैं कटाना से क्लासिक मैच में। एंड हाँ गाइस बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट सा था, बाकी सब तो इजी से है, मैं जल्दी जल्दी से मैं दो भी बता दूँ आपको। ठीक है गाइस, सो गाइस हमारा जो थर्ड वाला मिशन है वो बहुत ही इजी है। चलिए पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ, इन ऑल मोड्स एक्सक्लूडिंग रूम मैच किल 10 प्लेयर्स व्हेन योर हेल्थ इज बिलो 100। इसका मतलब है आप किसी भी मोड में 10 बंदों को मारो जब आपकी HP जो होगी, हेल्थ होगी, वो 100 से नीचे होनी चाहिए। सो गाइस चलिए तीसरे मिशन को आप कैसे करेंगे इजीली मैं बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं है, क्लासिक में जैसे मैंने बताया था बॉट वगैरह आएंगे, उनसे आप क्या कहते हैं कैसे भी करके डैमेज खा लीजिएगा, बिल्डिंग से नीचे कूद जाइएगा या कैसे भी आप 100 डैमेज खा लीजिएगा, उसके बाद आप बॉट को मार दीजिएगा। मैंने कहा उसकी एक भी गोली आपको नहीं लगेगी, तो आप इजीली ऐसे 10 बार करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंड जल्दी जल्दी हम चौथे की ओर बढ़ते हैं, चौथे मिशन की ओर। सो जो हमारा फोर्थ मिशन होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, इन ऑल मोड्स एक्सक्लूडिंग रूम मैच अचीव बुया 10 टाइम्स। मतलब हमें किसी भी मूड में 10 बुया लेने होंगे, मतलब इसमें भी कोई कस्टम का काम नहीं है, तो इजीली आप क्लासिक में खेल करके 10 बुया ले सकते हैं। एंड मैं आपको एक और इजी चीज बताता हूँ, मैंने एक सिंपल सा क्लैश स्क्वाड लगाया था, क्लैश स्क्वाड रैंक नहीं लगाया था, उसका ये बुया इसमें काउंट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, देखिए मेरा बुया काउंट हो रहा है। सो गाइस चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरे 10 out of 8 बुयाज हो रखे हैं, देखिए अफेकिन मैं देख सकते हैं आप, लास्ट वाले में मेरे 8 बुया हो रखे हैं 10 में से। तो चलिए मैं एक सिंपल सा क्लासिक मैच लगाकर आपको डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ, एंड इसी के बाद मेरा अलर्ट हया तो हो जाएगा। तो क्लैश स्क्वाड रैंक आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आप ये सिंपल सा लगा सकते हैं क्लैश स्क्वाड, तो मैंने जो नया वाला है मूड ये लगा दिया है एंड मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अब डायरेक्ट वीडियो के एंड में चलते हैं, मैं क्या गेम प्ले दिखाऊं आपको। तो चलिए गाइस हम एंड में आ चुके हैं, हमारा गेम प्ले खत्म हो गया, एंड ऊपर आप देख सकते हैं क्लैश स्क्वाड जो हमने लगाया था वो नोबड़ा सा। एंड चलिए देखते हैं अवेकन में जाते हैं, एंड हमारा ये देखिए
10 out of 9 हो चुके हैं, यानी कि एक हमारा बूया बढ़ गया है। आप ऐसे ही नूबड़ों को मार मार करके एकदम से अपने बूया बढ़ा सकते हैं एंड जल्दी से अपना अलर्ट हया तो कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैंने शुरू से लेकर अब तक नहीं बोला है तो अब आपने कर ही दिया, सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। हाँ, आप तो सब्सक्राइब नहीं करे तो भाई जल्दी कर दो।